हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मार्केट से आम आया है, तो ये पके हुए आम हैं और इसमें कुछ आम हैं जो दब गए हैं, तो वो थोड़े पिघले पिघले से लग रहे हैं। तो अभी मैं सबको एक ही टोकरी में रख रही हूँ क्योंकि मुझे रखना है फ्रिज में। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले फ्रिज क्लीन कर लूँ, लेकिन हो नहीं पाएगा, इसलिए मैं अभी इसको ऐसे ही रख रही हूँ। और एक आम बोला है कि टेस्ट करके बताने के लिए कि कैसा आम है, तो इसलिए मैंने इसे काट लिया है और मैं जा रही हूँ कान्हा, पहले मम्मी को टेस्ट करवा देती हूँ कैसा है, उसके बाद मैं कान्हा को खिला दूँगी। और फिर मैं अब जा रही हूँ किचन में, क्योंकि अचानक से अभी फ़ोन आया कि मम्मी को जाना है। अभी दोपहर के तीन बजे का टाइम हो रहा है, 3 बज रहे हैं अभी। तो मैंने जल्दी जल्दी से, 2 बजे में भी हुआ था कि मम्मी को जाना है, तो मैंने उस टाइम में करेले काट करके झोंक दिए थे, तो वो करेला बना हुआ है। और मैं जल्दी से पराठे बनाने आई हूँ, तो जल्दी जल्दी मैं पराठे बना रही हूँ क्योंकि ट्रेन का टाइम हो गया है। और अभी जस्ट मतलब कि बताया गया है कि बस मम्मी जाने वाली हैं, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी से बना रही हूँ, जितना बन पाएगा उतना मैं बना दूँगी। ये नंबर ढूँढने के लिए आए हैं फ़ोन में, इन्हें मिल नहीं रहा है। मामी, सैली मामी जी का नंबर चाहिए था फ़ोन करने के लिए कि मम्मी ट्रेन पर कर रही हैं, तो इनको नंबर मिल नहीं रहा है। और मेरे पास अभी इतना टाइम है नहीं कि मैं उनको नंबर निकाल करके दे सकूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि 10-15 मिनट का टाइम मेरे पास है, उतने देर में मेरे से जितना बन पड़ेगा मैं बना के दे दूँ पहले। तो ये फ़ोन लेकर के यहीं आ गए कि नंबर बता दो। तो ज़्यादा पराठे तो नहीं बन पाए, मुश्किल से 9 पराठे बने थे। हाँ, 9 पराठे बन गए थे, तो मैंने 9 पराठे को ही पैक कर दिया था, क्योंकि मैं जिस टाइम में वॉइस ओवरलैप कर रही हूँ उस टाइम में मेरे पराठे बन गए थे, इसलिए मुझे पता है कि 9 बन गए थे। तो मैंने जल्दी जल्दी से पराठे को पैक कर दिया, और उसके बाद मैं यहाँ पे सिल्वर फॉयल लेकर के उसमें पैक कर रही हूँ करेले जो मैंने बनाए थे पहले। पहले भी मैंने पराठे बनाए थे, वो सारे खाए गए, अब फिर से बना रही हूँ। और ये करेले, मैंने करेले डाल दिए पैक करके सिल्वर फॉयल में, और थोड़ा सा मैं मिर्च का अचार डाल दूँगी। मम्मी तैयार हो चुकी हैं, मैं इधर रास्ते का खाना बना रही थी और मम्मी तैयार हो रही थी, तो जल्दी से हो गया। और ये मिर्च का अचार है, तो सूखी चीज़ें ही ट्रेन में खाई जाती हैं, गीली चीज़ें लेकर के नहीं जा सकते आप। तो मिर्च का अचार भी मैं पैक कर रही हूँ, और साथ में मैं जितने भी पराठे बने हुए पराठे मैं पैक कर दूँगी। और ज़्यादा तो नहीं हो पाया, हाँ एक दिन का मतलब आज का हो जाएगा, कल से मंगवाना पड़ेगा ऑर्डर करके। मम्मी वैसे बाहर का खाना नहीं चाहती हैं, लेकिन पहले से पता होता है कि हाँ इतने बजे ट्रेन है और जाना है, तो सारी चीज़ें बन जाती, बट पता नहीं था, अचानक से पता चला, इसलिए ऐसा हो गया। नहीं, उससे नहीं लिया। क्या उससे नहीं बोल रहा है? किससे?
तो सारा चीज़ हो चुका है, रिक्शा वगैरह आ चुकी है, रिक्शे से सामान जाएगा, मम्मी बाइक से जाएंगी। और अब मम्मी भगवान जी को प्रणाम करने के लिए बैठी हैं, क्योंकि जाते टाइम में भगवान को धूप खाना ज़रूरी होता है, घर से भगवान को याद करके निकलते हैं तो यात्रा अच्छी जाती है, ऐसा लोगों का मानना होता है। तो चलिए, प्रणाम वगैरह हो गया है, मम्मी ने पैसे वगैरह चढ़ा दिए हैं, और अब कान्हा तो अभी सोया हुआ है तो इसको उठाना भी नहीं है, क्योंकि ये रोने लग जाएगा और पकड़ने लग जाएगा, तो इसलिए इसको सोया हुआ छोड़ करके मम्मी जा रही हैं अब। तो बाइक से छोड़ करके आएंगे स्टेशन, और पापा सामान लेकर के चले, रिक्शे से जा रहे हैं। चलिए बाय। हेलो, मैं काफ़ी टाइम के बाद आप लोगों से बात कर रही हूँ। मेरा पूरा किचन अभी आपको दिख रहा है, पूरा किचन अभी मेरा मैस है, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा ही कि कैसे कैसे मैंने क्या किया, प्रिपेयर किया। तो मम्मी फाइनली जा चुकी है, और इतने कपड़े अभी मेरे धुल के रखे हुए हैं सुखाने के लिए। मैंने आज सुबह सुबह मशीन लगा ली थी, क्योंकि कपड़े थोड़े थोड़े, मैंने सोचा चलो थोड़े हैं तो धुल लेती हूँ, तो मैंने मशीन लगा ली थी धुलने के लिए, तो कपड़े धुल गए और मम्मी चली गई फाइनली। बहुत खुशी हो रही है, मम्मी भी बहुत खुश हो गई थी। तो इसकी कहानी मैं बताऊंगी आपको बाद में, बहुत लंबी कहानी है, बहुत ज़्यादा मतलब कि टिकट के लिए बहुत ज़्यादा मारा मारी हो गया था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इस बार हुई थी। एक्चुअली कभी ऐसा होता नहीं था। एक बार पहले मैं इसको ट्राईपॉड पर लगा दूँ, आप लोगों को पता ही कि सबसे पहले 1 तारीख की टिकट बनी थी मम्मी की, वो 3 महीने पहले की बनी हुई थी। तो 1 तारीख कन्फर्म टिकट थी, वो 3 महीने पहले हम लोगों ने बनवा ली थी, वो टिकट कैंसिल हो, ट्रेन कैंसिल हो गई। एक्चुअली आगे भी ट्रेन चली और पीछे भी चली, जब बस उसी दिन की ट्रेन कैंसिल हुई। ये एक इत्तेफाक, सबसे पहला इत्तेफाक हुआ। दूसरा, नेक्स्ट डे हम लोगों ने दूसरी टिकट निकाली सेकेंड एसी की, वो भी मतलब वेटिंग थी, 14 वेटिंग थी, कंफर्म नहीं हुई। फिर हम लोगों ने बहुत कोशिश की, कहीं से कोई मतलब वो नहीं बैठ रहा था कि किससे भेजना है नहीं भेजना है, कहीं से कोई मतलब वो नहीं हो रहा था, कहीं भी टिकट नहीं मिल रही थी। फिर तो आज सुबह से टिकट चेक कर रहे थे, तो फिर तत्काल में बनवाने के लिए फिर हम लोगों ने पैसे देकर के आए, तो फिर तत्काल का भी नहीं मिला। 2 दिन उसने ट्राई किया, 2 को भी ट्राई किया, आज सुबह का भी ट्राई किया, 3 का भी, तो नहीं मिला, वो तत्काल में भी नहीं मिला। फिर हुआ ये कि फिर सोचे कि कहाँ से कैसे क्या किया जाए, मतलब बस ये मन में था कि बस किसी तरह से मम्मी को भेजना है, बस किसी तरह से भेजना है। तो फिर करते करते फिर उन्होंने, हम लोग लेटे हुए थे दोपहर में 1 बजे, तो 1 बजे इनका कॉल आया कि मम्मी का बैग पैक है, तो हाँ पैक है, तो बोलते हैं मम्मी को बोलो तैयार होने के लिए, 2 बजे ट्रेन है तो 2 बजे निकलना है। तो फिर हम जल्दी जल्दी से हम लोगों ने पराठा बनाया, और सब्जी भी कुछ बनी हुई नहीं थी, तो मम्मी ने बोला सिर्फ पराठा बना दे, मैं 4 मिर्ची ले लूँगी उसके साथ लेके चली जाऊँगी। तो फिर मैंने फिर भी करेले छोंक दिए थे उसी टाइम में, करेले मैंने छोंक दिए थे और पराठा बना दिया था। तो फिर उस टाइम जब मतलब कि घर से पहले ऑनलाइन कर रहे थे तो नहीं ले रहा था, 1 सीट अवेलेबल बता रहा था, वो भी यहाँ से नहीं, बनारस से बता रहा था कि बनारस से ट्रेन है, यहाँ से बनारस जाना पड़ेगा, वहाँ से ट्रेन है, तो 1 सीट अवेलेबल बता रहा था, बट नहीं हुआ। स्टेशन जा करके करवाया, फिर वहाँ भी नहीं हुआ, तो फिर हुआ कि नहीं हो रहा है तो अब नहीं हो पाएगा, ऐसे ही मतलब अप टू डेट नहीं है, इसलिए 1 बता रहा है लेकिन है नहीं टिकट, ऐसा हो गया। तो फिर चले गए, फिर 3 बजे उनका कॉल आया कि मम्मी का खाना पैक कर दो। हम लोग क्यों, तो इसलिए कि मम्मी को 4 बजे निकलना। हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ 4 बजे स्वतंत्रता, ये यहाँ से क्या तो है 4 बजे, पता नहीं मुझे अभी ट्रेन का नाम याद, गंगा सागर, हाँ 4 बजे गंगा सागर है, उससे निकलना है। मोकामा से टिकट बनी है, मोकामा से एक्चुअली नहीं बनी है, टिकट बनी है आसनसोल से, क्योंकि मोकामा से 1 वेटिंग थी, यहाँ से कंफर्म होने के चांसेस बहुत कम थे, तो टिकट आसनसोल से बनवाया गया है, तो वहाँ से कंफर्म हो गए, वो टिकट कंफर्म हो गए। 3:15 इन्होंने टिकट कटवाई है, 3 बजे इन्होंने कॉल किया कि बना दो, अगर कंफर्म 10 मिनट में चार्ट प्रिपेयर होगा, अगर कंफर्म हो गया तो चली जाएगी, नहीं हुआ तो हम लोग वही खाना रात में खा लेंगे। ठीक है, तो जैसे ही मैं गई बनाने के लिए 3:30 मिनट का कॉल आया कि चार्ट प्रिपेयर हो गया, टिकट कंफर्म हो गया, मम्मी का खाना पैक कर दो, मम्मी को बोलो तैयार होने के लिए। तो 3:30 में कॉल आया है, 4 बजे ट्रेन है, जाना है, और आधे घंटे में मम्मी ने, लेकिन मम्मी की खुशी तो देखते और नहीं थी, बहुत खुश थी। और दोपहर की बात बताऊँ, दोपहर को ना मतलब मम्मी ऐसे नर्वस हो गई थी, जाने का नाम सुन के ऐसे नर्वस हो गई थी कि मम्मी ने चीनी मंगाया, डब्बा खोल के आगे रखी, डब्बा में चीनी डालने के बदले डब्बे के बाहर सारा चीनी डाल दी। मुझे उतनी ही
हंसी आ रही थी, मैं हंसे जा रही थी, उसकी क्या हो रहा बहुत अजीब अजीब सा मतलब हो रहा था, मेरी हंसी रुक ही नहीं रही थी आज, मैंने बहुत हंसा बहुत। मम्मी कहती है सिर्फ हंसना ही आता है इसको तो। मतलब ऐसा ऐसा ट्रेसडे हुआ। फाइनली 4 बजे वाली ट्रेन से मम्मी यहाँ से गई है, और मम्मी कहते हैं रात के 2 बजे मोकामा से है, एक्चुअली टिकट है आसनसोल से, लेकिन मम्मी मोकामा में चढ़ेंगी 2 बजे, 2 बजे रात में है, आधे घंटे ट्रेन लेट चल रही है, 2:30 बजे है मोकामा से, और वो मम्मी को 5 तारीख को सुबह में पहुंचाएगी जालंधर, जालंधर पहुंचाएगी, हाँ जालंधर पहुंचाएगी। तो अभी मम्मी 4 बजे से गई हैं, बड़ौनी उतर जाएंगे, फिर वहाँ पे पापा भी आ जाएंगे, और ये पापा भी गए हैं, वो पापा भी आ जाएंगे, दोनों पापा रहेंगे, और फिर मोकामा से मम्मी ट्रेन पकड़ेंगी। मम्मी की ट्रेन फर्स्ट एसी की बनी है, हाँ मम्मी की ट्रेन फर्स्ट एसी की बनी है, एक वेटिंग की लेकिन कंफर्म हो गई है। तो मम्मी जा रही है, मम्मी जा नहीं रही एक्चुअली, मम्मी चली गई हैं, और अभी हम लोग बस मम्मी गई हैं और हम लोग फिर खाना वाना खा के बस मैं चाय बनाई हूँ उनके लिए भी और अपने लिए, और चाय बना के बैठी थी, तो मैंने सोचा कि चलो ये ट्रेजडी आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। मैं अभी भी सोच रही हूँ तो मुझे हंसी आ रही है हंसने का मन कर रहा है बहुत ज़्यादा कि ऐसा भी होता है लेकिन चलो जाना लिखा था, नहीं तो नामुमकिन था इस बार जाना, तो बिल्कुल ही नामुमकिन। लेकिन मतलब मम्मी का मूड देख के लगता था कि नहीं किसी तरह से भेज दो बस बस भेज दो, मतलब इन्होंने तो यहाँ तक सोच लिया था अगर प्लेन से भी भेजना पड़े तो मैं भेज के रहूँगा, लेकिन भेजूंगा जरूर इस बार लेकिन चली गई। चलो मम्मी भी बहुत खुश थी, सब लोग खुश हो गए। तो चलिए फिर, मुझे कपड़े सुखाने के लिए छत पे जाने हैं, तो मैं जा रही हूँ कपड़े सुखाने के लिए छत पे, चाय पहले पी लूँ। गाना भी सोया हुआ है, अगर वो जगा रहता तब तो वो जाने ही नहीं देता, बिल्कुल बहुत ही रोता, बहुत लटक जाता, तो सोया हुआ था इसलिए कुछ नहीं बोला। आज सुबह से वेदर काफी अच्छा था, मतलब सुबह से धूप बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल अच्छा सा मौसम था, और हवा बस चल रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। दोपहर में थोड़ी देर बारिश हुई, मुश्किल से 5 मिनट बारिश हुई होगी 2 बजे के आसपास, और उसके बाद से जो धूप निकली है तो पूछिए मत। फिर उसके बाद जो मतलब ह्यूमिडिटी वाली जो गर्मी हो जाती है ना, वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, वो वाली गर्मी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, वही वाली हो रखी है। मैं अभी जा रही हूँ, अब चल जल्दी से अपना ख़त्म करूँ। तो ये जो आप इसको देख रहे हैं, ये मेरे यहाँ स्टाफ है, स्टाफ ही है, ऐसे ही आता जाता है, थोड़ा बहुत कुछ कर देता है। तो ये जैसे ही देखा कि कैमरा ऑन है तो इसने अपनी हरकत करनी शुरू कर दी, और जैसे ही मैं आई तो फिर ये सीधा होके खड़ा हो गया। देखिए क्या कर रहा है ये ये अपना कर्तव्य दिखा रहा है एक्चुअली, इसे पता चल गया कि कैमरा ऑन है, और मैं आई तो ये खड़ा हो गया। और मैं यहाँ पे मैंने जो मशीन लगाई थी सुबह में, तो मैंने उसे मतलब कवर वगैरह नहीं लगाया था, तो मैं इसको निकाल रही हूँ स्विच से, इसका कवर वगैरह लगा के इसको सही कर रही हूँ ताकि ये सही हो जाए। और इसमें मुझे क्या है ना कि इसमें मुझे एक्सटेंशन लगाना पड़ता है मशीन को चलाने के लिए, क्योंकि जहाँ पर मेरा मशीन रखा हुआ है वहाँ पर स्विच बोर्ड नहीं है, तो मैं एक्सटेंशन लगाती हूँ, तो उसे भी समेट करके रखना है। तो सारी चीज़ों को मैं समेट करके रख रही हूँ, और उसके बाद मैं इसमें लगा रही हूँ कवर। मैं कवर लगा करके ही हमेशा रखती हूँ, कभी कभी खुला रह जाता है, नहीं तो मैं कवर ही लगा के रखती हूँ। और मेरा किचन पूरा बिखरा पड़ा है, तो मैं उसे भी अभी क्लीन करने, तो किचन में मैं अभी आई हूँ, मेरा पूरा किचन मेस हो गया था। आप सबको भी पता होगा, आप लोगों का भी होता होगा ऐसे कि कोई अगर जाने वाला हो कहीं और कुछ ज़्यादा हड़बड़ी हो तो कैसे किचन पूरा मेस हो जाता है, सारा सामान निकल के बिखर जाता है, सबके साथ ऐसा होता है, तो मेरे साथ भी होता है, मैं किसी से अलग नहीं हूँ, मैं भी आप लोगों के जैसी ही हूँ। तो बस मेरा पूरा, अब मैं पूरा क्लीन कर ली हूँ, सारा सामान सब जगह पे रख दिया है, और बस इसे एक बार कपड़ा मारना है, तो हो गया है मेरा पूरा काम फिनिश। मैं आज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, और मुझे अभी ये सारा सोफ़ा वगैरह को ठीक करना है, खाना कितनी सारी। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए, तो मैंने उनसे पूछा क्या बनाना है, तो उन्होंने पनीर ला करके दिया है, तो मैं पनीर की भी सब्ज़ी बनाई। तो मैं आज मैं पनीर की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी, नहीं तो आप लोग कहोगे कि बार बार क्या यही दिखाती रहती है, तो इसलिए मैं आज शेयर नहीं करने वाली हूँ। मैं बस बता रही हूँ कि मैं ये बना रही हूँ, और पनीर का कलर कितना अच्छा आया, हल्दी थोड़ा सा पानी में डाल के उबाल लो तो उसमें पनीर का कलर बहुत अच्छा आ जाता है।
और गर्म पानी में नमक डाल करके डाल दो तो पनीर भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। मसाला मेरा भून चुका है और इसमें मैं डाल दूँगी। खाना अभी नहीं खाऊँगी, बस मैं सब्ज़ी बना करके रख रही हूँ। आटा गूंदा हुआ है दोपहर का ही, और ये चावल खाएंगे तो इनके लिए चावल बनाना है, तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस मेरी सब्ज़ी तैयार हो गई है, देख करके तो बहुत अच्छा लग रहा है, पता नहीं खाने में टेस्ट कैसा होगा, वो तो खाने के बाद ही पता चलेगा। तो इसमें मैंने बस डाली है कसूरी मेथी ऊपर से डाली, और थोड़ा सा गरम मसाला डाला। मैंने ज़्यादा मसाला आज यूज़ नहीं किया है, लेकिन कलर फिर भी बहुत अच्छा आया है क्योंकि मैंने कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ की है। और दूसरी साइड मैंने रख दिया है चावल बनने के लिए, रख दिया है, दूध मेरा बॉयल हो चुका है, चावल बनने के लिए रख दिया है। तो मेरा सारा काम किचन का लगभग ख़त्म हो चुका है, और मुझे अब करने हैं कपड़े फोल्ड, क्योंकि जो भी कपड़े दिन में धोए थे मैंने, सुखाए थे, वो सारे सूख गए। बारिश आ रही थी तो मैंने उठाकर ले आई, तो जो सूख गए हैं उसे मैं फोल्ड करके रख दूँगी। तो मैं कर रही हूँ अभी कपड़े को फोल्ड। चलिए, तो आज का दिन बहुत अच्छा रहा, और बस आज का यही था। काना ऐसे मत करो, ये सोकर के उठ चुका है और अभी शैतानी कर रहा है। ये अभी पूछ रहा है माँ कहाँ गई, माँ कहाँ गई। तो मैं बोली कि ट्रेन से माँ चली गई, बोलता ट्रेन वाले को बोलो कि वापस लेके आए है ना गाना है ना है ये। और इसको आज कल रात को इसको एक्चुअली फीवर हो गई थी, रात भर इसको फीवर ही, सुबह में रात में तेज थी, सुबह में तेज थी, बट 8 बजे के आसपास को फीवर जब कम हो गई थी थोड़ी, तो फिर मैंने बुलाया देवों अंकल को, वो आ करके उसको दवाई वगैरह दिए, तो अभी तो ठीक है फीवर। दोपहर में भी मैंने दवाई दी थी, सुबह भी दे दी थी। सुबह से बहुत उदास उदास सा लग रहा था, हो ही जाता है बच्चे की जब तबीयत खराब होती है तो उदास ही हो जाता है, तो वही उसी तरह का कुछ हाल इसका भी था। तो दवाई अभी दे रही हूँ, और उन्होंने बोला है कि अगर छूट भी जाए तो रेगुलर दवाई देने के लिए, छोड़ने के लिए नहीं, नहीं तो फिर से आ जाएगा। तो रेगुलर अभी 3-4 दिन दवाई देनी है, अभी तो फीवर नहीं आई है। दोपहर में थोड़ा बहुत लग रहा था, बट दवाई दे दी तो उसके बाद ठीक हो गया, फिर अभी तक तो नहीं आई है। अभी 7:30 बज रहे हैं एक्चुअली, और आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। तो चलिए, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आएगा, उसे प्रेस करिए, और उसके बगल में बेल आइकन आएगा उसे ज़रूर बजा दीजिएगा, ताकि मेरा जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, ताकि आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए, बाय बाय, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। Bye bye, take care, have a nice day, good night, bye.